साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिक्के जीत सर में। हम फिजिकल ज्योग्राफी से जुड़े प्रश्न कवर कर रहे थे और अपना टॉपिक कौन चल रहा था ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी से जुड़े प्रश्न हम कवर कर रहे थे। तो आज हम चलते हैं आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का अपना प्रश्न कौन सा है देख सकते हैं आप यहाँ पर। प्रश्न नंबर 31 का है, फोसा मेघना क्या है? एक ज्वालामुखी, एक वियाकार की घाटी, वर्षोत पर्वत या दरार घाटी। ओसा मेघना क्या है ये आपको बताना है दोस्तों। जल्दी से आप कमेंट करके इसका आंसर करेंगे, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर कर पाता है। ओसा मेघना क्या है? ओसा मेघना दोस्तों एक प्रकार का ज्वालामुखी है। क्या है? ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट हो जाएगा, ज्वालामुखी। ओसा मेघना क्या है? एक प्रकार का ज्वालामुखी है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, देखिए अगला है। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अंटार्कटिका महाद्वीप में या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में या आर्कटिक महासागर में या अंटार्कटिका महाद्वीप में या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जल्दी से आप कॉमेंट करके इसका आंसर करेंगे, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर कर पाता है। दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप में। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? माउंट एटना यह आपको बताना है। निपारी द्वीप, सिसली द्वीप, कौशिका द्वीप या त्रिस्टान डिकुना, कौन से द्वीप पर है माउंट एटना ज्वालामुखी? कहाँ पर स्थित है, कौन सी द्वीप पर स्थित है ये आपको बताना है दोस्तों। माउंट एटना ज्वालामुखी कौन से द्वीप पर स्थित है? तो ये आपका सिसली द्वीप है इटली के अंदर, उसके ऊपर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा इसमें। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? ज्वालामुखी पर्वत नहीं है फ्यूजीनामा, फ्यूजियामा, एंडीज, रिसुवियस या वास्जेज, तो कौन सा नहीं है ये बताना आपका। कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत है नहीं है। जल्दी से आप कमेंट करके इसका आंसर करेंगे, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर कर पाता है दोस्तों। जल्दी से आप कमेंट करेंगे, देखते हैं। फ्यूजियामा, एंडीज, विसुवियस या वास्जेज, कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है ये आपको बताना है। ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, वास्जेज। नेक्स्ट है, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है? केनिया में, इटली में, इंडोनेशिया में, मेक्सिको में, तो कौन से देश में ये आपको बताना है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा इटली। कहाँ पर है? इटली के अंदर। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ है? इटली के अंदर है। फिर है मोनालोसा, मोनालोवा उदाहरण है। परसुप ज्वालामुखी का, स्क्रिय ज्वालामुखी का, मर्त ज्वालामुखी का और ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का, ये तीन ज्वालामुखी प्रकार है दोस्तों। ज्वालामुखी तीन प्रकार का होता है, सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें लगातार लावा बाहर निकलता रहता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी जो एक बार उद्गार होने के बाद कुछ समय के लिए शांत रहता है, फिर वो कुछ समय के बाद में वापस उसमें उद्गार होना लग जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रसुप्त। अचानक पर उद्गार होने लग जाता है। और मृत ज्वालामुखी जिसमें एक बार उद्गार हो गया फिर भविष्य में कभी उद्गार नहीं होता। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, और पठार जो ज्वालामुखी की लावा के द्वारा बना होता है, तो मोनालोवा उदाहरण किसका ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा इसमें। फिर है कारकाटोवा ज्वालामुखी निम्न में से किस द्वीप समूह में स्थित है? कारकाटोवा पापुआ न्यू गिनी में, स्प्रेटली द्वीप समूह में, इंडोनेशिया में, पश्चिमी द्वीप समूह में। कारकाटोवा ज्वालामुखी, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका आपका बी राइट हो जाएगा, स्प्रेटली द्वीप समूह में। दोस्तों वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप तक कोई भी वीडियो सबसे पहले पहुँच जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमिलित नहीं है? एटना इटली में, फ्यूजियामा जापान में, पोपा म्यांमार में और कारकाटोवा मलेशिया में।
ये आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। एटना इटली के अंदर, फ्यूजियामा जापान, पोपा म्यांमार और कारकाटोवा मलेशिया। जल्दी से आप कमेंट करके इसका आंसर करेंगे दोस्तों। एटना इटली में है, फ्यूजियामा जापान, पोपा म्यांमार, कारकाटोवा। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट अगला प्रश्न, किलिमंजारो पर्वत निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। किलिमंजारो पर्वत कौन से महाद्वीप में स्थित है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। किलिमंजारो पर्वत एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, किस में है किलिमंजारो, ये आपको बताना है। किलिमंजारो कौन से महाद्वीप में स्थित है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अफ्रीका, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा इसमें बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है, इटली में, चिली में, पेरू में या कोलंबिया में। एक बार वापस देख लीजिए प्रश्न को, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में, इटली में, चिली में, पेरू में या फिर कोलंबिया में। जल्दी से आप कमेंट करके इसका उत्तर देंगे, देखते हैं कौन कौन इसका उत्तर दे पाता है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पेरू, ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में, पेरू में। तो दोस्तों ये आज के अपने 10 प्रश्न हमने कवर कर ली। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको ज्योग्राफी से जुड़े हुए, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी हो, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे वो राजस्थान ज्योग्राफी हो, उन सभी के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पर काफ़ी टॉपिक्स भी डाले गए हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके साथ दोस्तों यहाँ राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की पॉलिटिकल, उनसे जुड़े हुए प्रश्न भी हम लेकर के आने वाले हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसलिए आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर चैनल पर आप नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक कोई भी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम आगे प्रश्नों को लेकर के फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।